नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूपी की राजनीति में लाउडस्पीकर का मुद्दा अभी भी तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव का भी बयान सामने आया है। शिवपाल यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके सवाल उठाया है कि इस फसाद की जड़ आखिर है कौन, ये पता करना जरूरी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि लाउडस्पीकर का इससे पहले भी गंगा जमुनी तहजीब के इस शहर में भजन, अजान और गुरुवाणी के स्वर सह अस्तित्व के साथ गूंजते रहे हैं। तब तो कभी कोई सवाल नहीं उठा। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कू ऐप पर लाउडस्पीकर को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कू संदेश देते हुए सवाल उठाया कि आखिर इस फसाद की जड़ कौन है। उन्होंने कू संदेश पर लिखा, सैकड़ों सालों से देश के गंगा जमुना तहजीब में भजन, कीर्तन, अजान और गुणवाणी के स्वर सह अस्तित्व के साथ गूंजते रहे हैं। लाउडस्पीकर के आविष्कार के बहुत पहले से किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। ईश्वर ना तब बहरा था और ना अब बहरा है। बुनियादी सवाल है कि अचानक शुरू हुए इस फसाद की जड़ कौन है। शिवपाल यादव ने आजम खां को लेकर एक बार फिर सपा को निशाने पर लिया। शिवपाल ने कहा कि सपा का इतिहास संघर्ष आंदोलन का रहा है, लेकिन ये सब अब नहीं दिखता, इसलिए आजम खां विधानसभा में इस समय सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। इतने वरिष्ठ नेता के लिए भी सपा ने कभी उनके लिए आवाज नहीं उठाई। शिवपाल ने शुक्रवार को फरुखाबाद एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने अखिलेश यादव के शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने वाले बयान को गैर जिम्मेदाराना और नादानी भरा बताया। अगर उन्हें यानी अखिलेश यादव मुझे भाजपा में भेजने की जल्दी है तो वो मुझे सपा से निकाल क्यों नहीं देते। भाजपा में जाने के बाद उन्होंने कहा कि ईद के बाद हम अपने साथियों के साथ बैठक कर फैसला लेंगे। शिवपाल यादव का कहना है कि भगवान न तब बहरा था न अब बहरा है, उसे लाउडस्पीकर के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में बुनियादी सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो फसाद अचानक से शुरू हुआ है, इसकी जड़ क्या है। अब इसकी जड़ आखिर में क्या है, क्या ये शिवपाल यादव भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन शायद बोलने में हिचक रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।